दिल्ली में रहने वाला राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था। राहुल का एक दोस्त दीपक फोन पर। हेलो राहुल, मैं दीपक बोल रहा हूँ। कल राकेश सर का असाइनमेंट सबमिट करना है, क्या तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया? हाँ, मैंने अपना असाइनमेंट कल रात में ही कंप्लीट कर लिया था। यार प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर असाइनमेंट सेंड कर दो, तुम्हारे अलावा किसी का भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी सेंड कर देता हूँ। राहुल एक अच्छा स्टूडेंट था। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। राहुल लाइन में सबसे पीछे था और राहुल के आगे वैभव नाम का एक लड़का खड़ा था। वैभव एक बॉडी बिल्डर था, उसकी मसल्स क्लास में सबसे ज्यादा थी और सिक्स पैक एब्स भी थे। अचानक लाइन में पीछे की ओर धक्का आया, वैभव की बाजू राहुल से टकरा गई और राहुल गिर गया। लाइन में लगे स्टूडेंट्स राहुल को देखकर हंसने लगे। राहुल ने वैभव के चेहरे पर भी मुस्कान देखी। राहुल को बात हर्ट कर गई। उस दिन वो आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा। वैभव को अपनी बॉडी पर बहुत घमंड है, उसने मुझे जानबूझकर गिराया ताकि क्लास के स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंसे। जब तक उसकी जैसी बॉडी नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। राहुल जब उस रात डिनर करने बैठा तो वो बहुत चिढ़ा हुआ और गुस्से में था। क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? माँ मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे कल से जिम जाना है और आप मेरे लिए रोजाना सुबह आलू के पराठे बनाइए, लंच और डिनर में भी मेरे लिए ज्यादा खाना बनाना। अगले दिन सुबह उठते ही राहुल ने ढेर सारे आलू के पराठे खा लिए। उस दिन जब राहुल अपने फ्रेंड दीपक के साथ कॉलेज जा रहा था तो राहुल ज्यादा खा लेने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। क्या हुआ राहुल, आज तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो? वो मुझे अपनी बॉडी बिल्डिंग बनानी है, इसलिए मैंने आज से 7 आलू के पराठे खाने शुरू किए हैं। राहुल कॉलेज भी पहुंच नहीं पाया कि उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई। दीपक शायद मुझे लूज मोशन शुरू होने वाले हैं, मैं घर वापस जा रहा हूँ। राहुल उस पूरे दिन वॉशरूम जाता रहा। बेटा तुम्हें एकदम से इतने सारे पराठे नहीं खाने चाहिए थे, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। मैं ठीक हूँ मम्मी, मैंने टैबलेट खा ली है और लूज मोशन अब ठीक है, आप पराठे बनाना जारी रखिए। अगले दिन संडे था। राहुल सुबह ही जिम में पहुँच गया और खूब भारी भरकम वेट उठाकर एक्सरसाइज करने लगा। उस दिन ज्यादा वेट उठाने के कारण राहुल बुरी तरह थक गया। थकान के कारण उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती ठूस ठूस कर खाना खाया और सोने चला गया। ज्यादा खाना खा लेने के कारण राहुल को रात में फिर से लूज मोशन शुरू हो गए। राजू वॉशरूम से निकलता है। राहुल बेटा मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हल्का खाना खाना चाहिए। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी टैबलेट खा लेता हूँ, आप मेरे लिए कल मटन बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए वैभव से ज्यादा बॉडी बना कर रहूंगा। राहुल का सारा ध्यान अपनी मसल्स को बढ़ाने पर था। वो कई घंटे जिम में भारी भरकम वजन उठाता, ठूस ठूस कर खाना खाता और सो जाता। अब उसका यही रूटीन था। ज्यादा थक जाने के कारण राहुल अपनी पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता था। अगर वो कभी पढ़ने बैठता तो उसे बैठे बैठे नींद आने लगती। लगातार जरूरत से ज्यादा खाना खाने और ओवर एक्सरसाइज करते रहने के कारण राहुल का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहने लगा। एक बार जब राहुल जिम में वेट उठा रहा था तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब राहुल की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। राहुल की मम्मी पापा दीपक वैभव और डॉक्टर उसके पास खड़े थे। हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से तुम्हें हार्निया हो गया है, आगे कुछ महीनों तक तुम बिल्कुल भी वजन नहीं उठा सकते, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल हॉस्पिटल में होने की वजह से तुम्हारा एग्जाम भी छूट चुका है। राहुल असाइनमेंट वाले दिन मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, आगे से धक्का लग गया था, मैं तुमसे टकराया और तुम गिर पड़े। क्योंकि सारे लोग हंसे इसलिए मेरे चेहरे पर भी थोड़ी सी हंसी आ गई, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। ना ही मैं चाहता था कि दूसरे लोग तुम पर हंसे, तुम्हारे अपने अंदर की हीन भावना के कारण तुम्हें दूसरों की हंसी बुरी तरह हर्ट कर गई।
तब राहुल को अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ। तुमने ठीक कहा वैभव, मैं बेवजह ही खुद को इतना कष्ट देता रहा। मैंने एकदम से डाइट बढ़ा दी और इतना भारी भरकम वजन उठाने लगा। अगर मेरे ऊपर बॉडी बिल्डिंग का भूत सवार ना होता तो मेरी ये हालत ना होती। हम सभी की बॉडी का नेचर अलग अलग होता है। हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारी बॉडी को सूट कर रही है और कौन सी चीज नहीं। दूसरों की नकल ना करें। हमें अपनी विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वेट लिफ्टिंग तुम्हारे लिए सही ना हो, लेकिन योगा और साइकिलिंग जैसी चीजों में तुम बहुत बेहतर कर पाओगे। राहुल ने ऑपरेशन के बाद योग करना शुरू किया और कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह फिट हो गया। दूसरे लोग भी राहुल से योगा सीखने आने लगे। तो दोस्तों, दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपनी विशेषताओं पर ध्यान दें। जब हम दूसरों की नकल कर दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को भुला देते हैं और अपनी संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है, एक राज्य में जंबो और बली नाम के दो राजकुमार भाई रहते थे। दोनों ही पहलवानों की तरह हट्टे कट्टे थे। पूरे राज्य में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि कोई उन दोनों भाइयों से मुकाबला कर सके। अपनी ताकत पर उन दोनों भाइयों को बहुत गर्व और घमंड था। मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, किसी की हड्डी पसली एक करने का मौका नहीं मिला। नगर में जाइए और किसी चोर उचक्के को पकड़ लाइए। मंत्री बाजार में गया और इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक फलों की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई है। दुकानदार ग्राहकों को फल देने में व्यस्त है और पीछे से एक चोर सेब चुरा रहा है। मंत्री ने तुरंत जाकर उस चोर को पकड़ लिया और दोनों भाइयों के सामने पेश किया। मंत्री जी, ये किसे पकड़ लाए? इसे पीटने में तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। माफ कर दीजिए मालिक, बीवी और बच्चे भूखे हैं, उन्हीं के लिए चोरी कर रहा था। आगे से चोरी कभी नहीं करूंगा। माफी? हमारे राज्य में अपराध के लिए माफी नहीं, सिर्फ दंड मिलता है। दोनों भाइयों ने मिलकर चोर की खूब धुनाई की। इसी तरह दोनों भाइयों का जब भी लड़ने का मूड होता तो वे राज्य के किसी भी पहलवान को उसके घर से उठवा लेते। अरे अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लड़ाई नहीं करनी है। तुम्हें लड़ाई करनी हो या ना करनी हो, दोनों राजकुमारों का आदेश है कि वो तुमसे लड़ना चाहते हैं। दोनों भाइयों की ताकत का राज उनके बगीचे में लगा एक पपीते का पेड़ था जिस पर काले पपीते आते थे। भाई, क्या हमारे बगीचे में लगे काले पपीते को खाकर कोई भी हमारी तरह ताकतवर बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर हम इतने बेवकूफ नहीं कि किसी को इस पेड़ का पपीता खाने दें। हाँ। एक दिन बली और जंबो कसरत करने के बाद बगीचे में आए। उन्हें बहुत जोरों की भूख लग रही थी। भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से अपने और मेरे लिए एक एक पपीता तोड़ लो। जब दोनों भाई पपीता खा रहे थे तभी वहाँ एक पतला दुबला फकीर आ गया। राजकुमार, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप एक पपीता मुझे खाने को दे देंगे? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, ये हमारे खाने का समय है और खाते समय हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ खाने को नहीं है तो राजकुमार, एक गिलास पानी ही मिल जाता। लगता है तुम्हारी समझ में ऐसे नहीं आएगा, पिटाई खाकर ही मानोगे। दोनों भाइयों ने फकीर को लात मारकर भगा दिया। हे घमंडी राजकुमारो, जिस पपीते को खाकर तुम इतने ताकतवर बने हो वही तुम्हें शक्तिहीन करेगा। अगले दिन जब राजकुमारों ने पपीता खाया तो अचानक भारहीन हो गए।
भाई क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ बहुत अजीब लग रहा है, जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया हूँ। बली मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों भाइयों ने जब चलना चाहा तो वो हवा में उड़ने लगे। अरे अरे क्या हो रहा है? लगता है हम दोनों भारहीन हो गए हैं, हमारा वजन शून्य हो गया है। ये जरूर उस फकीर के श्राप से हुआ है जो कल हमारे पास आया था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भाई अब हमें क्या करना होगा? हमें उस फकीर को ढूंढना होगा, वही हमें पहले जैसा बना सकता है। दोनों भाई घोड़ों पर लदकर घोड़ों के सहारे फकीर को ढूंढते हुए मंदिर पहुँचे। मंदिर में बहुत सारे फकीर मौजूद थे, लेकिन वो फकीर कहीं नहीं था जिसने दोनों भाइयों को श्राप दिया था। सुनो क्या तुमने उस फकीर को देखा है जिसके माथे पर लंबा सा निशान है? लगता है आप नागसेन को ढूंढ रहे हैं। नागसेन कल ही राज्य छोड़कर जा चुका है, वो आपको पड़ोसी राज्य में मिलेगा। बली और जंबो नागसेन को ढूंढने निकल पड़े। वो पहली बार अपने राज्य के बाहर जा रहे थे। रास्ते में जब भी कोई हवा का तेज झोंका आता तो उन्हें उड़ाकर ले जाता, इसीलिए दोनों भाइयों ने खुद को अपने अपने घोड़ों से बांध लिया। भाई बहुत भूख लग रही है, इतनी देर तो मैं कभी भूखा नहीं रहा, लगता है जैसे भूख से मर जाऊंगा। दोनों भाइयों को एक आम का बाग दिखाई दिया। बाग के चारों तरफ कटीले तार लगे थे और लिखा था बाग से आम तोड़ना मना है। लेकिन दोनों भाई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और बाग में घुसकर आम खाने लगे। तभी बाग का रखवाला वहाँ आ गया। तुम दोनों की आम तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें आम तोड़ने का दंड मिलेगा। हमसे मुकाबला करोगे? तुम तो हमारा एक मुक्का भी सहन नहीं कर पाओगे। बली ने रखवाले को घूंसा मारा पर रखवाले को कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा हाथ तो कबूतर की पंखुड़ी की तरह है, इसमें तो जान ही नहीं है। तब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे भारहीन हो चुके हैं, इसीलिए उनका शरीर दूसरों को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हमें माफ कर दो, हमें बहुत जोरों की भूख लग रही थी इसीलिए हमने आम तोड़ लिए। माफी? नहीं, यहाँ माफी नहीं मिलती, यहाँ दंड मिलता है। रखवाले ने जब दोनों भाइयों की डंडे से खूब धुनाई की, आज उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। कुछ आगे जाने पर दोनों भाइयों का प्यास से गला सूखने लगा। वे एक कुएं पर गए और पानी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके भारहीन हाथ रस्सी से पानी की बाल्टी ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। कोई हमारी मदद करो, कोई हमें पानी पिला दो। इस तरह कई दिन भूखे प्यासे भटकने के बाद दोनों भाई नागसेन फकीर तक पहुंच पाए और फकीर के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए, हमने आप और अपने राज्य के लोगों पर बहुत जुल्म किए, हम दोनों कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करेंगे, कृपया हमें पहला जैसा बना दीजिए। लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई कमजोर हो या ताकतवर, धरती पर जीने का अधिकार सभी को है। जो लोग ताकत के नशे में अंधे हो जाते हैं फिर उन्हें अपनी करने का फल भुगतना पड़ता है। फकीर ने दोनों भाइयों को उनका वजन लौटा दिया। दोनों भाई जब अपने राज्य लौटे तो उन्होंने सबसे पहले काले पपीते देने वाला पेड़ काट कर फेंक दिया और फिर वे विनम्रता के साथ राज्य करने लगे।